रात्रि ड्यूटी कर पिता घर पहुंचे और बेटे को फंदे पर झूलता हुआ पाया। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई तो पुलिस FSL की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए अरविंदो अस्पताल भेजा है। मृतक के पिता ने आरोप लगाए हैं कि बेटे के लिए लैपटॉप लाने के लिए घर में 72,000 रुपये रखे थे, वो गायब है, किसी ने मेरे बेटे की हत्या कर फंदे पर लटका दिया। आसाम राज्य से इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की गणेश धाम कॉलोनी में रहने वाले 14 वर्षीय आदित्य दाती ने अपने घर में ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक आर्मी में अधिकारी बनना चाहता था। पिता रात्रि ड्यूटी पूरी कर घर पहुंचे थे कि बेटे को फंदे पे लटका देखा। मृतक के पिता उत्तम ने अपने बेटे की हत्या होने की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इंदौर से देवेंद्र खन्ना की रिपोर्ट। नाम बताओ? उत्तम दाती। बताओ आपके लड़के ने किस तरीके से फैसला की, क्या कारण था? सर, मेरे लड़के ने, मैंने सुबह 10 बजे ड्यूटी के निकला हम तो ऊपर आया, 10 बज रहा था, 10 बजे कोचिंग चला जाता मेरे साथ, मतलब वो पैदल निकल जाता कोचिंग के और मैं अपना गाड़ी लेके मैं ड्यूटी चला जाता। तो आज मतलब वो कोचिंग क्या, उसका सर जो है वो सर क्या बम्बई है, बम्बई में उसमें शायद उसको परीक्षा चल रहा है तो एक हफ्ता का छुट्टी दिया, सामने देखो कोचिंग नहीं गया। हाँ। वो घर पे था, घर पे रहने के बाद सर उसको क्या हुआ, मेरे को बाय बाय किया, मैंने चला गया ड्यूटी। 6:30 बजे मेरा छुट्टी हुआ, 6:30 बजे छुट्टी होने के बाद मैंने मार्डन पे उसका लिए रोटी चिकन उपन खरीदा। फिर रात को मैं 3 बजे ड्यूटी जाता हूँ, उसका लिए सुबह का नाश्ता चाहिए, आधा लीटर दूध लिया, 4 ब्रेड लिया, उसका सुबह का नाश्ता कर लिया सब, और फिर जाकर दरवाजा खोल के देखा मेरा सर। हिम्मत रखो आप। अच्छा, कौन आप रो, कितने साल का था बच्चा? 14 साल। क्या बनना चाहता था वो? बनना चाहता था सर, बोले उसका हर खुशी में शामिल हूँ, रात दिन रोलिंग मिल ड्यूटी करता पूरा। ये मेरा कौन सी क्लास में था वो? 8th क्लास में था। क्या बनना चाहता था वो? बनना बोले मैं आऊंगा पुलिस वाला पापा, मेरे को जिम भी करना। मैंने बोला बच्चा मैं तो छोटा है, बोले जिम मत करा कर, नहीं पापा मेरे को जल्दी तैयार। आप रो मत, थोड़ा हिम्मत रखो आप, बहुत मेहनत। बच्चा का नाम क्या था? आदित्य ताती। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? आसाम। इंदौर में कहाँ रहते थे आप? इंदौर में गणेश धाम। और कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्चे की। अच्छा, तो और कोई घर में था? पत्नी और ये है, पत्नी है, चले गए, कोई ध्यान नहीं देता। कुछ पैसा वैसा भी आप? पैसे था उसमें रखा था, लैपटॉप खरीदने वाले था उसके लिए। कितना पैसा था? 72,000। तो पैसा भी गायब है क्या? पैसे भी नहीं। क्या लग रहा है आपको कुछ? अब मेरे को क्या लग रहा है, किसी ने मार के लिए होगा, फांसी भी लगाया था। तो साथ जब मैंने रूम दरवाजा खोल के देखा तो रस्सी पूरा नीचे था, लड़का ऐसे टंगा हुआ था। मैं तो एकदम से आप भी एक जगह खड़े रहिए। हां, एकदम से जाकर आपका क्या आरोप है? फांसी लगाई है, किसी ने मारा है? क्या आरोप है आपका, कुछ कहना है आपका? मेरे को तो लग रहा है सर किसी ने मारा होगा उसको, क्योंकि फांसी लगाने वाला टंगा रहता, लड़का मेरा टंगा हुआ रहता, तो टंगा हुआ नहीं था, वो क्या ऐसे जमीन में पैर ऐसे था उसका। सर, एक ये मर्ग हुआ है नाबालिग बच्चे का, क्या नाम पता है, कैसे डेथ हुई है? एक मर्ग जांच मिली है, आदित्य दाती, उम्र 14 साल, ये गणेश धाम कॉलोनी में किराए के मकान में। तो इसके पिताजी जो है रोलिंग मिल में काम करते हैं, और मुझे जहाँ से मिला है तो मैंने इनसे पूछताछ की और अभी प्राथमिक जो कार्रवाई होना है वो मुख्य की है। ये अभी जो है फांसी का फंदा इसके गले में है लगा हुआ, और वहीं से मौके से बॉडी लेके आए, और बाकी जाँच की जा रही है क्या स्थिति होती है। क्या करता था बच्चा? ये बच्चा 8th क्लास में पढ़ाई करता था। तो कोई घर में पैसे भी गाया, परिवार ने हत्या का आरोप लगाया? अब वो आगे हम जाँच करेंगे तो बता पाएंगे क्या। कहाँ का रहने वाला है ये? मूल रूप से आसाम का रहने वाला है, किराए पे 4-5 साल से रहेगा। कहाँ पे? निजाम का। आपका नाम? योगेश कुमार पांडा। सब अभी नहीं आ सकते, लंच के बाद नहीं देर से आते फिर तो बाद। फोटो यही है ना? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।